तो नमस्कार दोस्तों, आज के जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास अनलॉक टूल के माध्यम से, हम लोग नोकिया के मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हम लोग अनलॉक टूल के माध्यम से हम लोग नोकिया के मोबाइल फोन आते हैं उनको कैसे रिपेयर करेंगे। वैसे अगर मार्केट में देखा जाए तो नोकिया का मोबाइल फोन मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग पॉइंट पे कम है, या अगर देखा जाए तो बहुत कम मोबाइल फोन आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जब आप रिपेयरिंग के लिए बैठे हैं, काम करने के लिए हैं, तो आपके पास मोबाइल फोन है, तो सॉफ्टवेयर के लिए, लॉक तोड़ने के लिए, FRP हटाने के लिए वो मोबाइल फोन आपके पास आएंगे। तो हम लोग सीखेंगे कि नोकिया के मोबाइल फोन के अंदर लॉक को कैसे ब्रेक करेंगे, या उसके अंदर FRP लग जाता है तो उसको कैसे हटाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप इस तरीके से रिपेयरिंग की टेक्निकली कोर्स आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से सिखाया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि नोकिया के मोबाइल फोन को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, उसको रिपेयर करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए, तो उनको मेन हमारा जो बेस देखना होता है वो चिपसेट बेस देखना होता है। चिपसेट का मतलब होता है उसके अंदर CPU कौन सा लगा है। आपके पास नोकिया का मोबाइल फोन आया, उसके अंदर CPU कौन सा लगा है, मीडिया टेक लगा है, क्वालिकॉम लगा है, कौन सा CPU लगा है। जो भी CPU लगा है उस CPU के हिसाब से आप उसमें काम करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिकॉम लगा होगा तो EDL होगा, और अगर मीडिया टेक होगा तो आपका ब्रू मोड में होगा। तो हम लोग चलते हैं कैसे रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप नोकिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है, ये नोकिया का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर नोकिया के जितने भी सारे सपोर्टिंग मोबाइल फ़ोन है वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। नोकिया में देखिए तो हमारा ADL दिया है, मतलब क्वालिकॉम है, ब्रूम दिया हुआ है तो मतलब मीडिया टेक है, SPD दिया है, मतलब SPD में CPU लगा हुआ है। तो ये जितने भी सारे मॉडल इसमें आपके अनलॉक टूल में आपको दे रखे हैं, और आप बड़ा आसानी के साथ में कर सकते हैं। नोकिया के छोटे मोबाइल फ़ोन, कीपैड मोबाइल फ़ोन, वो भी दिया हुआ है, उनको भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप मोबाइल फ़ोन की जब कनेक्टिविटी कराएंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी दिखाएगा, यहाँ पर पूरी डिटेल्स आएगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करने के लिए दिया हुआ है, FRP हटाने के लिए दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर नोकिया के जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं आप उसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको थोड़ा डिटेल बताता हूँ। ये करेंगे, मान लिया आपके पास कोई भी नोकिया का मोबाइल फ़ोन आ गया, उस नोकिया के मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का लॉक लगा हुआ है, तो जो भी आपके पास मॉडल आता है आप यहाँ पर जाकर के मॉडल ले सकते हैं। जैसे नोकिया 2 आ गया, नोकिया 2 आने के बाद अब उस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगाए, क्या लगाए, लॉक लगाया, तो आपने यहाँ पर नोकिया 2 को सिलेक्ट किया। नोकिया 2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? फैक्ट्री रीसेट का। जैसे आप फैक्ट्री रीसेट में ओके करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेशन में लिख जाएगा, ऐसे आपने ओके किया, देखिए फैक्ट्री रीसेट यहाँ पर लिख गया। जैसे फैक्ट्री रीसेट लिख दिया, अब आप मोबाइल फ़ोन को ऑलरेडी पहले से ही कनेक्ट करा देंगे, क्योंकि क्वालिकॉम का मोबाइल फ़ोन है तो EDL से कनेक्ट होने वाला है, तो पहले से कनेक्ट करा कर रखेंगे तो फ़ोन कनेक्ट होगा, और आपके मोबाइल फ़ोन देखिए नोकिया 2.2, फैक्ट्री रीसेट, ये सारा ऑपरेशन आपका चालू हो जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद बस सिर्फ फिर से फ़ोन चालू होगा, नेक्स्ट 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 करके उसे ओके कर सकते हैं, और आपके उस मोबाइल फ़ोन से लॉक खुल जाएगा। उसके बाद नोकिया के और भी बहुत सारे मॉडल आते हैं, ये देखिए बहुत सारे मॉडल दिए हुए, नोकिया G21 आपने ले लिया। अब आप उस मोबाइल फ़ोन में क्या करना चाहते हैं, FRP हटाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप जो भी नोकिया के सारे मॉडल आते हैं जो एंड्रॉयड बेस्ड चिपसेट मॉडल हैं, जिसके अंदर क्वालिकॉम मीडिया टेक SPD लगा है, तो क्वालिकॉम मीडिया टेक SPD के सारे मोबाइल फ़ोन को आप यहाँ से आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। नोकिया के जैसे मार्केट में अगर देखा जाए 6.1, 6.1 प्लस, ये काफ़ी अच्छे मॉडल बिके थे, आपने 6.1 ले लिया, फिर वही ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, फैक्ट्री रिसेट कर देंगे तो रिसेट हो जाएगा, FRP करेंगे तो आपका FRP हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन में जाकर के देखेंगे तो ये फंक्शन में आपके दिए हुए हैं, डायग्नोस्टिक है, मेटा मोड है, लेकिन हम लोग ब्रूम मोड या EDL मोड में काम करने वाले हैं। जो भी काम करेंगे वो ब्रूम या EDL मोड में काम करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करेंगे, और रीसेट करते ही आपका मोबाइल फ़ोन क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा।
इस तरीके से नोकिया के जो भी मॉडल आएंगे सारे मॉडल को हम लोग रीसेट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, लिनेवो कंपनी का मोबाइल फोन आता है, लिनेवो कंपनी का जो भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में आप अनलॉकिंग कैसे करेंगे या FRP कैसे हटाएंगे, तो ये हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि लिनेवो का मोबाइल फोन आता है, उस लिनेवो को मोबाइल फोन में FRP कैसे हटाएंगे और लॉक कैसे को ब्रेक करेंगे। तो चलो लिनेवो को मोबाइल फोन में करने के लिए हमको लिनेवो वाला जो ऑप्शन आता है इसमें ओके करना पड़ेगा पहले। ऐसे मैं आपको अनलॉक टूल के बारे में एक एक करके अलग अलग टॉपिक के बारे में आपको पूरा डिटेल से आपको समझाया है ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं और इसके माध्यम से हमसे इस टूल को भी उन लोगों ने परचेस किया है, काफ़ी मोबाइल फ़ोन भी रिपेयर किया हुआ है और इसके माध्यम से उनको सीखने को भी मिला है। तो हम लोग लिनेवो पर गए, लिनेवो के बाद आप अगर आप देखेंगे तो लिनेवो के बहुत सारे मॉडल आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखिए लिनेवो वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिनेवो को देखिए ये सारे मॉडल आ रहे हैं जिसमें K Note K5 K4 Note, ये तो काफ़ी मॉडल अच्छा बिका था पुराने मोबाइल फ़ोन थे। K5 Note 2018 ये काफ़ी मॉडल बिके थे। और फिर आप यहाँ पर जा करके आप उसको सेम उसी तरीके का फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन चलेगा, डिटेल आएगी और आपका मोबाइल फ़ोन का लॉक ब्रेक हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो नोकिया का फ़ोन आता है, मान लिया नोकिया लिनेवो K5 Note आया, K5 Note, अब इसके अंदर ADL पॉइंट लगा हुआ है। तो ADL पॉइंट होने का मतलब क्या है, आप इसके प्लस माइनस जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप कनेक्ट करेंगे लिनेवो K5 Note। उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे जाने के बाद आपको इसका ADL पॉइंट क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। चाहो तो आप ADL पॉइंट यहाँ डिवाइस मैनेजर में भी जाकर के सॉरी टेस्ट पॉइंट में भी जाकर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट में जाएंगे, टेस्ट पॉइंट में जाने के बाद लिनेवो पर चले जाएंगे, लिनेवो के बाद K5 Note, K5 Note दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, अगर दोस्तों हमारे यहाँ नहीं दिया हुआ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इसको मिनिमाइज करें। मिनिमाइज करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में गूगल खोलेंगे, गूगल खुल जाएगा तो गूगल से हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे, हम लोग ये सर्च करेंगे लिनेवो K5 Note, उसमें एडियल पॉइंट कहाँ दिया है, इसमें खुलता है। तब तक मैं आपको मोबाइल फ़ोन में गूगल में खोल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च करेंगे हम लोग लिनेवो K5 Note एडियल पॉइंट। देखिए अगर आप गूगल जाएंगे तो इस तरीके से फ़ोटोज़ खुल जाते हैं, इसमें से ये फ़ोटो खुल जाएगी, ये फ़ोटो ये बता रही है कि हमारे पास यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बता रहा है, कह रहा है ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में जाकर के आपको टच करना है। ये देखो ये यहाँ पर गूगल पे आपको सर्च कर रहा है। तो इस तरीके से इमेजेस आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी खोल सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में खोलने के बाद जब आप इस पॉइंट को देख लेंगे तो पॉइंट देखने के बाद फिर आप अपने अनलॉक टूल में जाएंगे। सबसे पहली बार मोबाइल फ़ोन की आपको क्या कर लेनी है, कनेक्टिविटी करा लेनी है। जैसे आप कनेक्टिविटी करा लेंगे, कनेक्टिविटी कराने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमारे लिए उस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगाए, पैटर्न लॉक, पिन लॉक, कुछ भी लॉक लगाया तो फैक्ट्री रीसेट करेंगे। अगर खाली FRP लगाया तो दोस्तों आप फिर खाली FRP को करेंगे, फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। जैसे फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑपरेशन आपका चालू हो चुका होगा। नहीं चालू होता तो आप पहले इसको स्टॉप कर लीजिए, हो सकता है पहले वाला फंक्शन चला तो दूसरा वाला नहीं काम करेगा, तो आपने इसको स्टॉप मारा फिर आपने फैक्ट्री रीसेट किया। देखिए फैक्ट्री रीसेट करने के बाद आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होगा, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल होती है, फ़ोन की कनेक्टिविटी चालू हो जाती है और ये समरी पर आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेटिंग के लिए प्रोसेस के लिए स्टार्ट है, लेने वो K5 Note 4 2018 फैक्ट्री रीसेट, ये सारी डिटेल। वेटिंग फॉर डिवाइस मतलब मोबाइल फ़ोन का तो कनेक्ट करा दीजिए, ये तो ऑलरेडी पहले से ही कनेक्ट होगा तो ऑलरेडी पकड़ता हुआ चला जाएगा और आपका मोबाइल फ़ोन कनेक्ट होकर के फॉर्मेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर FRP हटाना चाहते हैं तो आप FRP हटा सकते हैं, जैसे
यहाँ पर आप स्टॉप करेंगे, आप इरेज एफ आर पी भी क्लिक करेंगे तो देखिए लिख करके आ रहा है इरेज एफ आर पी। यहाँ पर एफ आर पी के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी लेनेवो को मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके अंदर चाहे मीडियाटेक सी पी यू लगाओ, चाहे एस पी डी सी पी यू लगाओ, क्वालिकॉम सी पी यू लगाओ, कोई भी किसी भी तरह के सी पी यू लगाए, तो आप उस दोस्तों उस मोबाइल फ़ोन को यहाँ से आप मोबाइल फ़ोन में अडा देगा। ऑपरेशन ऑपरेशन लिख करके ना इरेज एफ आर पी, तो इसका मतलब होता है कि आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन में क्या कर सकते हैं, एफ आर पी को हटा सकते हैं। एफ आर पी हटाने के बाद सारे मोबाइल फ़ोन जो भी लॉक हैं उस लॉक को तोड़ सकते हैं, लॉक बाईपास कर सकते हैं, इसके माध्यम से तोड़ कर मतलब हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनमें से कोई भी ऐसे जो प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि हमारे पास नोकिया का मोबाइल फ़ोन आता और लेनेवो का मोबाइल फ़ोन आता, उस मोबाइल फ़ोन को किस तरीके से लॉक को तोड़ेंगे। दोस्तों मैं आपको इतनी सारी वीडियो आपको इसलिए बना कर दे रहा हूँ ताकि आप सॉफ्टवेयर में बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो आज लोग अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद उनको सॉफ्टवेयर संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता, इस कारण से वो परेशान होते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के कहीं और जाकर ठीक कराते हैं। अगर ऐसी बात अगर देखा जाए तो अभी मेरे पास एक स्टूडेंट हैं जो बनारस के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे पास पहले मोबाइल फ़ोन आते थे और मैं नहीं लगता था कि मैं सॉफ्टवेयर का काम कुछ कर भी पाऊंगा, लेकिन आपकी वीडियो के बारे में जब से मैंने पूरा देखा, पूरा सारा टूल के बारे में समझा, तो मैंने टूल परचेज करने के बाद कम से कम 4-5 मोबाइल फ़ोन सॉफ्टवेयर के मैंने अपने हाथों से लॉक तोड़ा है, जिसमें से टेक्नो का एक मोबाइल फ़ोन था, एक मेरे पास इन्फिनिक्स का मोबाइल फ़ोन था, एक मेरे पास क्वालिकॉम कंपनी का मतलब रेडमी का मोबाइल फ़ोन आया था। तो इस तरीके से 4-5 मोबाइल फ़ोन आए और मैंने लॉक तोड़ा, उसमें से कुछ नहीं हो पाए, मैंने वापस कर दिया और कहीं और से तोड़वा लिया, लेकिन मैंने खुद तोड़ा, मुझे खुद तोड़ जब मैंने खुद मोबाइल फ़ोन का लॉक तोड़ा तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं इस काम को लगता था कि बड़ा कठिन है लेकिन इस काम को मैं कर सकता हूँ। और उस 4-5 मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने से ही मैंने कम से कम 800-900 हज़ार रुपये मुझे इसका प्रॉफिट हुआ कि मैंने 3 महीने का 1700-1800 रुपये का टूल ख़रीदा और मैंने इतने पैसे भी कमा लिए 1 महीने के अंदर। लेकिन सबसे पहली सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली कि सर जो मुझे जो हासिल हुआ, पैसा तो चलो अलग बात है, लेकिन मुझे जानकारी हासिल हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस काम को कर सकता हूं और ये काम करना कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जब मैं मार्केट में मोबाइल फ़ोन लॉक खुलवाने के लिए जाता था और मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, लेकिन फिर भी मार्केट में मेरे से बेवकूफ़ आदमी मुझे लॉक खोल करके देता था, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। मैं इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि मुझे इस लाइन के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो अब इस वीडियो के माध्यम से उनको काफ़ी हेल्प मिली है, या और भी सारे स्टूडेंट हैं जो लोग इस तरीके से वीडियो के माध्यम से उनको हेल्प मिल जाती है, काफ़ी अच्छा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारा सर एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि जितने भी सारे टेक्नीशियन लोग हैं, जो लोग जाने अनजाने में मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं या अपना काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते एक दूसरे को मदद मिलनी चाहिए, उनको काफ़ी सारी नॉलेज मिलनी चाहिए ताकि उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाता हूँ ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग सीख रहे होते हैं, वो अगर जब ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में सीख चुके होते हैं या वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों के बारे में उनको हेल्प मिल जाती है, लेकिन जब मेरे पास सीखने के लिए आते हैं तो पूरा फुल डिटेल में एक एक करके पूरा जानकारी लेते हैं, पूरा सीखते हैं, उनके बारे में प्रैक्टिकल करते हैं। क्योंकि वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में सीखा जा सकता है, लेकिन हमारी कमी को तो कोई अच्छा ट्रेनर है वही दूर कर सकता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या ऐसा काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, उस कमी को हमारी अच्छे से दूर हो जाती है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो है कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, यहाँ पर सागर मार्केट एक मार्केट पड़ती है, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन दुनिया जान के चारों तरफ के मोबाइल फ़ोन ही बनने के लिए लोग बनाने के लिए आते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक करवाते हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है और उनको अच्छा सीखने का मौका मिल जाता है और वो प्रैक्टिकली तरीके से अच्छी तरीके से काम सीख करके जाते हैं और यहाँ पर आने जाने कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो भी सारे बाहर से स्टूडेंट आते हैं रहने के लिए उनको रहने की सारी सुविधा मिल जाती है, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो जाती है और पूरा दिन क्लास चलता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती हैं ताकि आप लोग आकर के अच्छे से सीख करके जा सकते हैं। और आजकल के समय पर अगर देखा जाए तो एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग बहुत अच्छा बिजनेस है और इसको थोड़ा सा कम पैसों में खर्च करके एक अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें से 4-5 तरीके के और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़ करके काम कर सकते हैं। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो आज अपने मोबाइल फ़ोन की दुकान तो नहीं चला रहे हैं लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट में जाता हूँ, फील्ड में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ, उनको गाइडेंस देता हूँ कि वो किस तरीके से काम करके बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में देखो बिजनेस तो कर ही रहे हो लेकिन बिजनेस करने का मतलब यही होता है कि बिजनेस को बेहतर कैसे किया जाए, अच्छी तरीके से कैसे किया जाए, यही सारी चीज़ों की भी अच्छी ट्रेनिंग हमारी होनी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो आधार कार्ड का काम कर रहे हैं,
जन सेवा केंद्र का काम कर रहे हैं, फोटोकॉपी का काम कर रहे हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम होता है, उनके पास मोबाइल फ़ोन भी आते हैं ठीक करने के लिए, वो लोग हैंड फ्री चार्जर भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनको रिपेयरिंग के मामले में बिल्कुल जीरो होते हैं। आखिर उनके पास मोबाइल फ़ोन आता है, पूरा दिन उनके पास खाली उसी का काम नहीं होता, वो 2-3 घंटे काम करके पूरा दिन ऐसे ही अपना बिताते रहते हैं। अगर वो लोग भी अगर चाहें तो अपडेट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद अपना उसी में से मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सर ऐसा है कि हर जगह है, हर क्षेत्र है, और हर एक चीज़ लाइन में इसका आपका कस्टमर है। अगर आपके पास कोई फोटोकॉपी कराने भी आता है तो जाहिर सी बात है उसके पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। मोबाइल फ़ोन अगर देखा जाए तो इस लाइन में जो रिपेयरिंग करने वाला आदमी होता है वो मास्टर होता है, वो सर्वे सर्वा होता है, वो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से काम कर सकता है, किसी प्रोडक्ट को अच्छे से सेल कर सकता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसको ठीक कर सकता है। लोग उसके कहने पर ही सारे काम करना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसको इसके बारे में नॉलेज है। तो इसलिए दोस्तों आप चाहें तो एक छोटी सी ट्रेनिंग ले सकते हैं, मात्र 45 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और बिल्कुल ए से लेकर जेड तक सभी चीज़ों के बारे में सीख करके जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो से जुड़े रहें, चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, उन वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और एक वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो एक पॉजिटिव मैसेज भी करें ताकि आप अच्छी तरीके से काम कर सकें। उस वीडियो के माध्यम से एक हमारे स्टूडेंट ने कमेंट में मैसेज किया था कि सर जितना आप सिखाते हो उतना तो मुझे ऑलरेडी पहले से आता है, तो मैं उनके लिए बिल्कुल बेसिक थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस आने के तरीके को कंटिन्यू करते रहें ताकि आपको, मुझे ये भी पता है कि आपको वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों के बारे में सीखने को मिला है, तभी आपको अच्छे से आ रहा है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और भी लोग हैं वीडियो के माध्यम से देख करके सीखें, आगे बढ़ें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज करें, या मेरा नीचे दिया हुआ नंबर 6391711711 6391211211 इन दोनों नंबर पर कैसे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे क्लासेस चल रही हैं और समझ सकते हैं कि कोर्स को करने का तरीका क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।